बीजेपी के तीन मंडलों के कार्यकर्ताओं को ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित किया और कार्यकर्ता से परिचय भी लिया। श्री सिंधिया ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहले खुद खाना परोसा और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि उनका सतत प्रयास रहता है कि अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 4S का फॉर्मूला दिया, जिसमें सरलता, स्वच्छता, स्वयंसेवक और स्वेच्छा को महत्वपूर्ण बताया। ग्वालियर में ज्यादा समय देने के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि जहां मेरी उपस्थिति मांगी जाती है वहां जाना मेरा दायित्व है और ग्वालियर मेरा घर है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव प्रचार करने जाएंगे, तो उनका जवाब था कि पार्टी उन्हें जहां की जिम्मेदारी देगी वहां जाएंगे। हमारे संगठन के द्वारा आयोजित किया गया। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे एक मौका मिला सभी लोगों के साथ मिलने के लिए, और यही एक आत्मीयता के आधार पर आगे की रचना ग्वालियर के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, स्वच्छता के लिए हम लोग साथ में मिलकर खेलेंगे। और इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोगों का भी सहयोग हमें मिले, आप लोग भी इस अभियान का एक भाग बने, ताकि एक नया ग्वालियर